और यहाँ पर आपको बताएं इंतहाई अहम खबर से कि कराची वालों को एक बार फिर से राहत का सांस मिल गया। खवातीन हजरात आपको बताएंगे शाहीन तूफान भी टल गया। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि कराची के शहर में आज एक बार फिर से कई मुकामात पर पाबंदी होगी, पाबंदी किस हवाले से होगी यहाँ पर आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलिए। खवातीन हजरात आपको बताते चलें कि जिस तरह से आपको बताया गया था शाहीन तूफान कराची के साहिल से टकराने के बहुत ही करीब था, लेकिन कराची के शहरी काफ़ी हद तक महफूज रहे। और इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कराची के समुंदर में अभी भी डीप डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बाकी है, लिहाजा इस हवाले से कराची के शहरियों को पाबंदी होगी यहां पर समुंदर में नहाने के हवाले से। जबकि यहां पर जो खास तौर पर पाबंदी लगाई गई है वो माहीगीरों को और वो लोग जो यहां पर मछलियां पकड़ना चाहते हैं उसके हवाले से खास तौर पर दफा 144 का नफाज रहेगा। कराची शहर के अंदर बताया गया है कि यहां पर बारिश के पानी से भरी हुई सड़कें भी अब खाली होती नजर आ रही हैं, जबकि शहरियों को कुछ यहां पर अच्छा और राहत का सांस भी मिल गया। खवातीन हजरात आपको बताएं कि परेशानी भी टल गई और अब घबराने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर आपको बताते चलेंगे ये कहा गया है कि हम कराची का मौसम आइंदा आने वाले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहेगा, कराची के अक्सर व बेशतर मुकामात पर बारिश भी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि आज सिंध में कराची, हैदराबाद, छट्टा, बदीन, दादू और इसी के साथ साथ उमरकोट और मीरपुर खास, जबकि नौशेरो फिरोज सखर में तेज़ बारिश का इम्कान है। खवातीन हजरात इसी के साथ साथ आपको बताएं कि यहाँ पर टंडू वाला यार, सांगड़, अंडू मोहम्मद खान और यहाँ पर दूसरे मुकामात पर जैसा कि लाड़काना, जैकबाबाद और शिकारपुर में यहाँ पर आज मुकम्मल तौर पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। खवातीन हजरात मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।